हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी बजे सुबह के 9:15, और अभी हम लोग सुबह सुबह रेडी होके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। यस यस, आरुष। आरु बेचारा अभी उठा भी नहीं था, आरु हम उसे उठा के लेके आ गए। और या नहीं, पिछले कल जो मेरे लिए डेंटल की बुक की थी ना अपॉइंटमेंट, उसके लिए हम सब जा रहे हैं। हम सब यस, क्योंकि मुझे डेंटिस्ट से बहुत डर लगता है, तो मुझे ये जनाब चाहिए और ये जनाब साथ में, तो ये जनाब भी होंगे। सो यार, हम तीनों जा रहे हैं मिल के। यही है पास में, ये 5 मिनट की दूरी पे। और आप लोग ने अगर नोटिस किया हो तो मैंने अपने बाल काटे हैं। सी, मैंने लेयर्स कट किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है कि मैंने ये बाल कैसे काटे, तो मुझे बताइए। नेक्स्ट टाइम जब भी काटूंगी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और ये हेयर कट मैंने 5 मिनट लगाए होंगे नेमिश काटने में, या विद इन 5 मिनट्स मैंने ये काट दिए। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी बंदा काट सकता है। उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे मामूली इंसान काट सकता है, तो आप भी काट सकते हैं। तो मेरे को बताइए अगर आपको देखना है, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। और ये आ गया हमारा डेंटल क्लिनिक, जेफरसन्स डेंटल एंड ऑर्थोडॉन्टिक्स। ऑर्थोडॉन्टिक्स पता नहीं, मुझे ना डेंटिस्ट पसंद ही नहीं है, ऐसा बोलूँ ना तो भी चलेगा, क्योंकि वो मुंह में पूरा वो सब डालते हैं ना, मुझे वो बहुत गंदा लगता है। पर अभी खैर ये सिचुएशन आ रही है, एवरी 2 या एवरी 3 मंथ ये होती ही है। तो ये जनाब ने बोला कि नहीं जाना ही है, तो फिर मैंने भी कंडीशन रखी, मैं बुक नहीं करूंगी, तुम बुक करोगे तो जाएंगे। और मुझे पता है वो बुक करने में सालों लगा देंगे, और ऐसा ही हुआ। 3-4 महीने तो लग गए उसको बुक करने में। तो यार इतना टाइम भी निकल गया। एंड दिस इज माय हेयर कट। अभी शायद मे भी आप लोग को इतना पता नहीं चल रहा होगा, कभी बाल तो की और अभी भी दर्द कर रही है। आरू हमारा सोया हुआ था और उसको नींद नींद में ही था ना, उसको ऐसे कपड़े चेंज कर दिए, डायपर चेंज कर दिया और लेके आ गए। चप्पल जो है ना, हाय। Thank you. यहाँ पे बैठ गए ये शारु। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ आराम चेयर पे बैठी हूँ। जस्ट अभी हम लोग आए, पर वी आर ऑन रॉन्ग साइड। ये वाला है ना, वो जो वायरिंग करते हैं ना दांत को, वो वालों का ये पार्ट। पर हम लोग को उसे नहीं दिखाना है, हम लोग को उसे नोटिस को दिखाना है, तो वो दूसरी साइड है। तो वो गई, हमको थोड़ा समझाया कि आप थोड़ा ये कर लो, सही हो जाएगा, पर मुझे नहीं करवाना है। हम लोग दूसरा डॉक्टर आएंगे, उसे दिखाएंगे। इट्स नॉट फेयर, ओके? इट्स फेयर। ना 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 ना। हम लोग अभी डेंटिस्ट के ऑफिस से निकल गए हैं, और बात ये हो गई कि मेरा ये जो दांत का प्रॉब्लम था वो ऑर्थोडोंटिस्ट चाहिए, और वो था नहीं, उसकी अपॉइंटमेंट थी नहीं आज के लिए। सो वो हम लोग को कॉल करेंगे कल, अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज देखेंगे अपकमिंग वीक में कब मिलता है हम लोग को अपॉइंटमेंट। और मैं बहुत ही खुश हो गई, ये करना नहीं पड़ा। और ये जनाब बोले कि हम चारों के चारों दांत निकाल देंगे। कल निकालने वाले 4 दांत। मैं कोई कंसर्न देने वाली नहीं हूँ, तो कहाँ से निकालोगे भाई? तुझे, तेरा कंसर्न नहीं होता, पेशेंट का ही होता है। नो नो, हेड ऑफ हाउसहोल्ड का कंसर्न होता है। हेड ऑफ हाउसहोल्ड कुछ भी, यहाँ से भी तुम जा सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू गो। ऐसे कौन टेढ़ी गाड़ी लगाता है? तो मैंने हम केवल वहां बाजू में जा, seriously नहीं, you can reverse गाड़ी and no it reverse doesn't work। जो वो लो यावी, ये जो जे बाबा ने बीच रोड पे ऐसी टेढ़ी गाड़ी लगाई, देखो ये रोड है
और ये टेढ़ी गाड़ी हमारी, क्योंकि उसको ये लेन में जाना था, इसके बाजू वाले लेन में, और वो ये बंदी ने ब्लॉक करके रखा है, जा नहीं रही है खुद भी, और ये खुल गया तो अभी हम प्रोसीड कर पाएंगे। देखो ये पूरी टेढ़ी गाड़ी रखी थी नेमिश ने। नेमिश, व्हाई आर यू डूइंग दैट? यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर। और ये रेड लाइट भी हो गई। वो तो गया, देख तेरे पीछे था तो भी गया। आई डोंट वांट टू। आई टोटली अंडरस्टैंड। एक बार तो भाई आज तोड़ दिया था, अभी मुझे और कुछ तोड़ना नहीं है। और आज हम लोग है ना रावण दहन के लिए जाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर। कल भी तेरे दांत का रावण दहन ही होने वाला है। रावण दहन के लिए जाने वाले हम लोग, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि एंड में आपको दिखेगा हमारा रावण दहन। हम लोग भी बेसिकली, हम लोग ने देखा था कि नहीं फ्लोरिडा जब गए थे हम लोग नवरात्रि करने, श्वेता के साथ गए थे, याद है? तब देखा था रावण दहन। पता नहीं रावण दहन हुआ था कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है इतना, पर आज शायद होने वाला है, तो हम लोग आज जाएंगे और आप लोगों को भी दिखेगा। तो मुझे अभी कुछ खाने पीने की इच्छा हो रही है, कॉफी की। नी बाय मी वन कॉफी। इफ टुमारो यू आर गोइंग टू कंसर्न टू रिमूव योर विजडम टीथ। ओके, विल सी। तो अभी बजे 11:30 और मेरा बन रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट कम लंच, ब्रंच बना रही हूँ एक्चुअली, चाय बन रही। आज मेरे को चाय पीने की इच्छा है, क्योंकि बाहर आज ठंडा वेदर है, तो सोचा चाय पी लूँ। स्टोर में गई थी मैं थोड़ा ग्रोसरी करने, क्योंकि शाम को मेरे को थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना है, तो सोचा उसके लिए मेरे को थोड़े इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे तो वो लेने गई थी। और ठंडा वेदर को देख के मेरे को कॉफ़ी पीने की इच्छा हुई, फिर मैंने सोचा कि कॉफ़ी नहीं, आज चाय पीते नेमिश के साथ। तो ये बन रही है चाय हमारी तुलसी वाली, यहाँ पे मैं पोहे बना रही हूँ, तो उसके लिए ये पीनट पहले फ्राई कर रही हूँ मैं थोड़े। Yes. और यहाँ पे हमारा आरुष अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, दूदू एंड कृषांत। खाओ आरु, खाओ। यम्मी। तो भाई आज हमारी डेंटल की विजिट तो भाई फेल रही, कल देखते हैं अगर उन लोग को स्लॉट खाली वाली हुआ, कोई किसी ने कैंसिल किया तो मिलता है तो हम लोग को देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट में रहेगा। और मुझे लगता है तब तक ये सही भी हो जाएगी, सूझा हुआ। तो अभी बजे है 6:15 और हम तीनों जाने वाले रावण दहन के लिए। मैं ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी मैं रेडी हो गई हूँ, मेरा मेकअप हो गया है, अभी मेरे को साड़ी पहनना है। नेमिश तो अपना पैंट शर्ट ही पहनेंगे और आरुष को मैं कुर्ता पहनाऊंगी। ये देखो कौन साड़ी पहन के आ रहा है। कैसे लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अभी हम लोग एक्चुअली लेट हो रहे, तो हम जा रहे रावण दहन के लिए, शायद देखने को मिल जाए। 6:30 का टाइम था, आधा घंटा लगता है, 6:15 हो गया है। लेट्स सी हम लोग टाइम पे पहुंचते हैं कि नहीं। चलो आप लोग भी आ जाओ। तो हम लोग जस्ट अभी पहुंचे और मैंने जैसे सोचा था ना कि हम लोग पहुंचेंगे उससे पहले रावण दहन हो जाएगा, और हम यहाँ पे पहुंचे उसके 10 मिनट पहले वो रावण दहन हो गया। पर तो भी आप लोग को क्लिप देखने को मिलेगा और आप लोग देख लो, और उसके बाद आप लोग ये व्यूज़ देख लो। यही था क्या रावण दहन? ये स्टैच्यू पे क्या ये बीच में लगाया वहाँ पे थोड़ी सी रात पे, वही हो सकता है, वही होगा। जा दिखा दे, यहाँ पे रावण दहन हुआ था, देखो। आरु हाय करा। हम लोग ने देख लिया। आले आई अजीत। और यहाँ पे रावण दहन हुआ था, ये जो दिख रहा है ना वहीं पे हो गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, मंदिर के अंदर जा रहे हैं। इसने क्यों मास्क पहना है? अंदर पहनने के लिए मास्क चाहिए सब जन। ऐसा था, मुझे लगा तू एक्सेप्शन है। अलवा मैचिंग मैचिंग। तो
अभी बजे है 7:45 और हम लोग जा रहे हैं घर पे। हम लोग यहाँ से निकल गए हैं मंदिर से, हम लोग ने दर्शन किया, थोड़े फोटोज खिंचाए, आप लोग भी देख लेंगे इंस्टाग्राम में। अगर आप लोग मेरे को फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम में मेरे को जाके फॉलो कीजिए। और यस, यहाँ से जाने के बाद हम लोग एक पोटलक में जा रहे हैं, तो वहाँ का भी आपको थोड़ा ग्लिम्स मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी 9:45 हुए है और हम लोग घर पे भी आ गए है। हम लोग ने चेंज कर लिया, कम्फी कपड़े में आ गए और यहाँ पे हमारे ये पिकनिक बास्केट रेडी है। हम लोग जा रहे हैं खाना लेके एक फ्रेंड के घर पे और वहीं पे सब अपने अपने घर से खाना लाएंगे। इन शॉर्ट हमारा आज पोटलक है, तो सब अपने अपने घर से लाएंगे और साथ में बैठ के खाएंगे एंड गप्पे मारेंगे। पता नहीं मेरे को, एक मिनट में बालकनी झांक, बालकनी में झांक देखती हूं। ये नहीं है, यहां पे तो किसी का ग्रिल मशीन पड़ा है, उन लोग के पास ग्रिल मशीन नहीं है। हम लोग गलत अपार्टमेंट में आ गए। ये बिल्डिंग नहीं है, मे बी वो दूसरे वाला बिल्डिंग है। अभी पता चला किसी और के घर पे कोट लग लेके चले जाते हम लोग। अब यहाँ पे देख ले, ये क्या, ये वाला है क्या नेमिश? देखो, मुझे पता नहीं है। इसकी भी बालकनी में जाके देख लो। ये लग रहा है यहाँ पे किसी की हाई चेयर पड़ी है, मतलब ये बच्चे वाला घर है। लेट्स सी अगर हम सही घर पे आए कि नहीं। अर्चित बोल रहा है, अर्चित मेगा, क्या बना के लाई तू? फालूदा। ओह, विद मेगा टच। तू क्या बना के लाया? अमित भाई, मैं तो खाने आया, मैं वो भटूरे तलता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। वो हमको अच्छा नहीं लगता है, वो तू खुशी खुशी ले सकता है अगर तेरे को करना है तो। ये देखो भाई, बच्चे हमारे खा रहे कसाड़िया। खुला नहीं, फिश इज इन द पैकेट, मतलब वो ऐसे जो है ना, थोड़ा सा आरुष, वो हम लोग को ये लगता है ऐसा कि लगा हमको कि हो गया ना, इतना ही है ना मेनू। चलो, ये हमारा पोटलक, ये भटूरा, छोले, पिंडी छोले, छोले, अनियन, गाजर, पापड़ एंड फ्राइड राइस। और ये मेघा ने बनाया है फालूदा, वो मिलेगा एंड में। चल जाओ, जल्दी जल्दी खा ले, देख ठंडा हो जाएगा और हम लोग को वो करना नहीं है। सो आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारा व्यू, हम लोग भी करते हैं। मेरी बहुत परफेक्ट बनती है, परफेक्ट बनती है, बहुत परफेक्ट। हमें खिलाएगी तो नेक्स्ट टाइम। सबूत है वो। क्या वो सबूत है? ये वीडियो दिखाऊंगी तुझे अगर नहीं बनाया तो। यस, नेक्स्ट टाइम पूरनपुरी। खाके के कोने में बैठे रहते थे लेडीज़ ना, हल्दी कुमकुम, फिर पूजा कैसे की, फिर साड़ी अच्छी है, फिर ये, फिर वो घर पे सजा। तू भी करेगी अभी? मैंने ये दिवाली तो नहीं, नेक्स्ट ईयर तू भी करेगी दिवाली? मेरे घर दिवाली रहेगी, लक्ष्मी पूजा। मोस्टली है ना, ये मकर संक्रांति के टाइम पे करते हैं लोग, लड़के नहीं, बट कोई कोई लड़कियां दिवाली के टाइम पे करते, दिवाली में करते हैं, दिवाली में। जैसे कि मैं अभी लक्ष्मी पूजन करूंगी ना, तो मैं सारे फ्रेंड्स को बोलूंगी कि मेरे घर पे हल्दी कुमकुम के लिए आना लेडीज को, फिर वो मेरे घर पे आएंगी, वो पूजा करेंगी। लक्ष्मी जी का रहता ना, फिर लड़की को मतलब किसी भी सुहागन को हल्दी कुमकुम करना है, वो रहता है। एक दूसरे के घर लेडीज जाती है, फिर वो शास्त्र श्रृंगार करते तो थोड़ा। ये देखो हमारा बन रहे फालूदा, वाओ, लुक एट द लेयर्स। अचल बाहर ये चल, ये मेरा दूसरा ब्लॉगर है, ब्लॉगर भैया। अरे लुक, यम्मी यम्मी, उसको अच्छा लगा क्या? हाँ, अच्छा लगता है। ये हमारा इधर लास्ट कोर्स, कोर्स से बोलते हैं ना, लास्ट कोर्स।
अगर आप लोग को भी फालूदा अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये दिन यही पे खत्म करते हैं, कल मिलूंगी नए दिन के साथ। बाय, हैप्पी दशहरा।